पहाड़ों में लगातार हो रहे पलायन को चुनौती देती एक युवती की कहानी, जिसने न सिर्फ अपनी नौकरी छोड़ मशरूम उत्पादन का काम शुरू किया बल्कि अब इसे मिशन बनाकर प्रदेश के सभी जिलों में प्रशिक्षण दे रही हैं। इस युवती को हाल ही में राष्ट्रपति ने भी नारी शक्ति सम्मान से नवाजा। देखिए इस पर यह रिपोर्ट। ये है मशरूम गर्ल दिव्या रावत, जो आज उत्तराखंड में मशरूम उत्पादन के क्षेत्र में एक आइडल बन चुकी है। लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए दिव्या रावत ने काफी संघर्ष किया। साल 2013 में जब पूरे उत्तराखंड में दैवीय आपदा ने अपना विकराल रूप दिखाया, तो उसी दौरान दिव्या ने अपनी नौकरी छोड़ दी। 27 साल की दिव्या आज देहरादून स्थित मोथरोवाला गांव में न सिर्फ मशरूम उत्पादन कर रही है बल्कि इसका प्रशिक्षण भी दे रही है। मेरी 2013 में शुरुआत हुई है। मैंने डायरेक्टोरेट ऑफ मशरूम रिसर्च है DMR ICAR के अंडर आता है ये सोलन में, वहाँ से ट्रेनिंग ली है। उसके बाद उत्तराखंड में ही हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, वहाँ से मशरूम ट्रेनिंग ली है। फिर फ्लैक्स फूड से मैंने ट्रेनिंग ली है, वेल्किन ओवरसीज से ट्रेनिंग ली है, और बहुत ही इंडिया के और पार्ट्स में भी मैं गई हूँ और अपने आप को टेक्निकली साउंड किया। एक साल का समय दिया इन ट्रेनिंग्स वगैरह में, प्रैक्टिकली काम करती गई पर साथ साथ सीखती भी गई। तीन बहनों में सबसे छोटी दिव्या रावत ने जब मशरूम उत्पादन की बात घर वालों को बताई तो घर में ही इसका विरोध शुरू हो गया। लेकिन आज दिव्या मोथरोवाला में सालाना 50 लाख रुपए का मशरूम उत्पादन कर रही है। हमें लग रहा है कि 70 से 80 लाख का जो है इसका बीच का ही जो है ऑर्डर आने वाला है। पंजाब हरियाणा वगैरह से भी ऑर्डर आते हैं, राजस्थान से। एक लड़की जो अपनी अच्छी खासी नौकरी छोड़कर उत्तराखंड के विकास के में लग गई है, तो उनका साथ देते हुए हमें भी अच्छा लगेगा। दिव्या चमोली के कोट कंडारा की रहने वाली है और MNC की नौकरी छोड़कर मशरूम उत्पादन कर रही है। दिव्या हर रोज 200 किलो मशरूम का उत्पादन करती है और 53 जगहों पर ट्रेनिंग भी दे रही है। 8 मार्च को राष्ट्रपति ने भी दिव्या को सम्मानित किया था। रोजगार का साधन देना है तो खेती में देना है, क्योंकि खेती की अगर हम बात करते तो हमारा वे ऑफ लाइफ है, ये हमारा जीने का एक माध्यम है, हमारा मतलब लाइफ का एक ऐसा पार्ट है कि हम इससे अलग हो ही नहीं सकते। तो खेती, फिर मशरूम इसलिए क्योंकि इंडोर कल्टीवेशन है, राउंड द ईयर कर सकते हैं, टेम्परेचर की खेती है, पहाड़ों के लिए सबसे बेस्ट है, कोई बंदर बाढ़ वगैरह किसी भी जंगली जानवर से उसको कोई नुकसान नहीं होता। पिछले 3 सालों से मशरूम उत्पादन की अलख जगा रही दिव्या को अब इसके सकारात्मक परिणाम दिखाई दे रहे हैं। युवा और महिलाएं बड़ी संख्या में मशरूम उत्पादन के क्षेत्र में आगे आ रही हैं। पहाड़ की बेटी अगर कुछ ठानती है तो उसे करके भी दिखा देती है, और दिव्या रावत इसका जीता जागता उदाहरण है। दिव्या रावत अब मशरूम गर्ल नहीं बल्कि मशरूम इंस्ट्रक्टर बन चुकी हैं, जो पहाड़ों में लगातार इसकी खेती की ट्रेनिंग दे रही हैं। अपने कैमरा सहयोगी अमरेश भट्ट के साथ संदीप गुसाई, इंडिया 24/7, देहरादून।